मिट्टी वाला, मिट्टी वाला चाहे जो मर्जी डालो आप, अगर आप मोटा भी डालोगे मिट्टी होगी, नहीं डालना वो निकलेगा ही नहीं। यहाँ जब ये हाल है तो उधर जंगलों में क्या हाल होता होगा रोड का? ये वाला वापस, ये वाला जहाँ चला है वहाँ से वापस कितना होना चाहिए? देर भाई सब ठीक रहे, इसको कंप्रेस करना है फिर उसको बढ़ाना है, फिर उस ठेकेदार साहब आर्मी अपनी पाले कर रहे हैं। ये वाला यहाँ की इंटरेस्टिंग डिमांड थी कि यहाँ दो बस स्टैंड जो है ये ब्लैक टॉप नहीं हुआ था। यहाँ म्यूनसिपल चेयरमैन साहब आरिफ जट साहब, इन्होंने बहुत कोशिश की इसके अंदर और कौंसलर्स ने प्रेसिंग डिमांड थी और गवर्नमेंट ने कुछ कर मैनेज कर इनको गो हेड सिग्नल दिया है और पैसे दिए हैं। 2 करोड़ के करीब पैसा आया है दोनों बस स्टैंड के लिए। कॉन्ट्रैक्टर वही है, पिछले साल उसने जो बेस बनाया था जो पहले कॉन्ट्रैक्ट ए पार्ट में था और अब बी पार्ट जो है ब्लैक टॉप का है, आज मैं आया मैंने देखा, लेकिन ए पार्ट का जो काम पहले हुआ है उसमें मिट्टी है वो तसल्ली बख्श नहीं है। ये वाला 1 करोड़ अगर उसके ऊपर हम डालेंगे, इसका 1 करोड़ का EBT, इसकी लाइफ नहीं होगी, ये मेरा अपना कहना है। पहले पोर्शन को जो इसका बेस है उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको ठीक करेंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ से डालेंगे। ये मुबारक है सब लोगों को, बस स्टैंड का काम यहाँ शुरू हुआ, लेकिन सबके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि तसल्ली बख्श काम होना चाहिए। अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेंगे मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, बाद में खड्डे बस स्टैंड के आपको याद रखेंगे, आपको फिर 6 महीने के बाद ये टूटेगा और फिर दोबारा कोई पैसे इसके नहीं मिलेंगे। लिहाजा जो भी सरकार का पैसा आया है कोई ईमानदारी से लगे और आप लोगों को दिखे, आप सब लोग इसमें कोशिश करो, तसल्ली से इसको काम कराओ। शुक्रिया आपका बहुत। तो जिस तरह से अभी आपने कुछ देखा सर, मिट्टी के ऊपर कोई नहीं चलेगा, ये इंजीनियरिंग का फेलियर है, ये मुझे रोड्स में भी 2-3 जगह नजर आया है। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो इनको भुगतान करना पड़ेगा। सर इसी तरह के काफी सारे और भी प्रोजेक्ट हैं, मैं देख रहा हूँ आज, ये वाला मैंने देखा, दूसरे वाला भी मैं देखता हूँ। म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से जो बस स्टैंड पे लूप का काम शुरू होना था, डी साहब ने ओपनिंग करनी थी, तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो बजरी रेता डाली हुई थी वो ठीक नहीं थी, वहाँ पे लिफाफे वगैरह पड़े थे और डी जी साहब ने वो काम बंद करवाया है। तो इसलिए हम डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आके मौके, क्योंकि ये जो दुकानें हम लोगों ने खरीदी हुई हैं ये हमारे ही भाई हैं, यहाँ पे काम करेंगे। अगर और 1 महीने का या 2 महीने के बाद ये लुक जो हमारी ख़त्म हो जाएगी, जो हमारा 4 करोड़ रुपया नुकसान हो सकता है, इसलिए आज ये काम रोका गया है। अगर अपने रिस्क पे कोई कर रहा है तो करते रहे, क्योंकि DC साहब ने ऑर्डर दे दिया इसको बंद कर दो और प्रेसिडेंट साहब ने भी बोल दिया है, तो अब देख लेते हैं इसका क्या है क्या नहीं। शुक्रिया। ऐसे है कि राजौरी के 2 बस स्टैंड जो हैं उनकी काफ़ी बुरी हालत थी पिछले 4-5-6 सालों से लेके, चाहे वो सलानी का बस स्टैंड हो चाहे जो राजौरी शहर का एग्जिस्टिंग बस स्टैंड है, और वहाँ के लोगों की, शहरवासियों की, दुकानदारों की, सबकी यही डिमांड थी कि ये बस स्टैंड ठीक हो। किसी वजह से ये काम जो है आज से 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, रुक गया था, आधा काम होके आधा रुक गया था। जो एग्जिस्टिंग बस स्टैंड है वो तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, उसको लुक शुक पड़ चुकी है, वो क्लियर हो गया। आज सलानी का जो बस स्टैंड है यहाँ पे जो लुक का उसका काम जो है वो स्टार्ट करवाया है,
तो यहाँ पे आके जो एक चीज़ देखने में मिली है कि काम का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था वो स्टैंडर्ड नहीं है। हमने ठेकेदार और इंजीनियर साहब को डिसा भी आए हुए थे, उन्होंने भी एक अच्छी इंस्ट्रक्शन दी है कि ये मिट्टी वगैरह साफ़ करके जो गंद पड़ा है इसको उठा के फिर इस पर जो है ब्लैक टॉपिंग की जाए ताकि ये आने वाले 10 साल जो है ठहर सके, क्योंकि ये 2.5 करोड़ रुपये का सारा काम है। 2.5 करोड़ रुपया बड़ी मुश्किल से आता है, कल एक दो दिन में बारिश आएगी, खड्डे पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएगा, उससे बेटर है इसका अच्छे से काम करके इसको करें। मैं सब दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आपकी बड़ी दरीना मांग थी वो पूरी हो रही है, यहाँ खड़े होके ठेकेदार को कॉपरेट करके, इंजीनियर्स को कॉपरेट करके अपने सामने यहाँ पे एक अच्छी ब्लैक टॉपिंग करवाएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसे ही मैं गुस्सा मैंने आते ही ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये मिट्टी है इस पर ब्लैक टॉपिंग नहीं होनी चाहिए, मैंने आते ही जब मैं गुस्सा घुसते ही मैंने ये पॉइंट रेज किया था। उसके बाद डी साहब आए, उन्होंने आके डिटेल में बात की, जो उन्होंने बात किया वो जेन्युइन है, मैं उनको उनकी बात को सेकंड करता हूँ। न्यू बस स्टैंड का सलानी में 2019 में प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था, प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया लेकिन जो प्रोजेक्ट को सेंक्शन मिलनी थी वो नहीं हो पाई उस वक्त, जिसकी वजह से उस वक्त इसका खाली जो सरफेस का और ड्रेनेज का काम हुआ था, और फिर जब ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई तो उसने काम वहाँ पे छोड़ दिया, बंद हो गया, ब्लैक टॉपिंग का काम जो बचता था वो उस वक्त उसने छोड़ा, और उसके बाद फिर अब जाके जनाब ये बड़ी मेहनत के बाद दोबारा जाके सेक्रेटरी में बड़े एफर्ट्स के बाद ये जो ब्लैक टॉप का पैसा है वो सिटी टाउन हेड से इसका रिलीज हुआ, दोनों बस स्टैंड का पार वाले बस स्टैंड पर ब्लैक टॉप हो गया है, और इस पे आज ब्लैक टॉप का काम हमने शुरू करना था, जिसमें मैं अभी भारतीय डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पे जो 2 साल उस मेटलिंग के बाद ये बस स्टैंड ब्लैक टॉप नहीं हुआ तो गाड़ियों के काम काज से या यहाँ पे जो आमदोरफ्सी उसकी वजह से यहाँ पे जो सरफेस पे मिट्टी बैठ गई है, उस सारी चीज़ को देख कर डीसी साहब ने ब्लैक टॉप का काम जो है वो रोका है, और ऐसी स्टेज पर ब्लैक टॉप का काम नहीं हो सकता है। अब यह है कि कंप्रेसर से या बाकी जो टेक्नोलॉजी है उससे ये सारा साफ करके इसके ऊपर दोबारा जो फाइनल वेट मिक्स है जो पहले उन्होंने डाली थी, पैसा ना आने की वजह से उस वक्त वो काम वहाँ पे बंद कर दिया उन्होंने, अब जो है वो उसको उस काम को दोबारा करना पड़ेगा, और ये सही भी है क्योंकि ये बड़ा बस स्टैंड है और पब्लिक की एक बड़ी दरीना डिमांड थी। आज अगर यहाँ पे क्वालिटी वर्क होगा तो हमारे जो यहाँ पे कारोबारी लोग हैं या शहर के जो लोग यहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं उनको फ़ायदा रहेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आज का जो काम है हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, और जो ही ये दोबारा इसको तैयार करते हैं तो फिर ब्लैक टॉप काम हम शुरू कर देंगे। आज वैसे भी जो है वो ब्लैक टॉप थोड़ी सी सतह पे होना था, हमें ये पिछले दिनों में बारिशें थी, ये कुछ दिन पहले होना था काम, बारिशों की वजह से डिले हुआ है, और जो वर्थी डीसी साहब थे उनका यह है कि जब तक ये इसका मिट्टी वगैरह ऊपर से क्लियर नहीं होती, पॉलिसीज वगैरह क्लियर नहीं होता, तब तक इसको जो ब्लैक टॉप का काम है वो पोस्टपोन किया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है। इस समय हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट के न्यू बस स्टैंड पे खड़े हैं। अगर बात की जाए तो आज बड़े जोरों शोरों से इसका ब्लैक टॉपिंग का उद्घाटन होना था, सभी लोग इकट्ठे थे, डिपार्टमेंट, ठेकेदार, और अगर बात की जाए तो जितने भी काउंसलर थे, आज इसमें ब्लैक टॉपिंग होनी थी। लेकिन बात की जाए तो राजेश के शवन हमारे डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने इस पर आज रोक लगाई। अगर बात की जाए तो जिस तरह से मटेरियल जो है यहां यूज किया गया उसको जब डिप्टी कमिश्नर राजेश के शवन ने देखा और तुरंत इस ब्लैक टॉपिंग को रोका। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए कि पूरी मिट्टी मिट्टी, ये मिट्टी जो है क्या उस ब्लैक टॉपिंग को रोक सकती थी? क्यों PWD विभाग इस पे सुस्ती बरतता आ रहा है? अगर कुछ बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार आपने शुरू में जब ये बस स्टैंड बना तो वहां पे ब्लैक टॉपिंग हुई तो सिर्फ महीना या डेढ़ महीना रुकी, उसके बाद दोबारा वो उखड़ गई। आज अगर बात करें तो जिस तरह से डीसी राजौरी राजेश के शवन ने PWD विभाग के कर्मचारियों को भी फटकार लगाई और कहा कि ग्राउंड पे पहले इससे जो है बैडिंग अच्छी होनी चाहिए, और खासकर अगर बात करें तो ब्लैक टॉपिंग
उस समय की जाएगी इसमें, जब तक ये ग्राउंड में इसमें अगर कंकरा और प्रॉपर तरीके से ये जो बेडिंग होती है ये होती है। ये तस्वीरें देखिए, अगर बात की जाए तो ये जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर ने देखा कि मिट्टी ही मिट्टी जो है इस बस स्टैंड में थी, और खासकर अगर बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर राजेश के श्रवण ने तुरंत एक्शन लिया और यही खड़े होकर देखा कि इस की जो बेडिंग हुई है किस प्रकार हुई है, तो उन्होंने साफ इनकार किया जब तक इसकी बेडिंग अच्छी नहीं होगी तब तक इस पे ब्लैक टॉप नहीं होगा। ये बड़ा निर्णय, और खासकर कहते हैं ना कि जिस डिस्ट्रिक्ट का मालिक अगर भगवान ने उन्हें चेयर सौंपी है तो वो अगर इसी तरह से कार्य करेंगे तो लोगों के हित के कार्य होंगे। लोग, हमारे व्यापारी लोग आस लगाए बैठे हैं कि न्यू बस स्टैंड बना है इसमें अच्छी ब्लैक टॉपिंग होगी और हमारा कारोबार अच्छा होगा, लेकिन अगर बात की जाए तो इस तरह से अगर कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग पर एक निशाना। क्या वो इतने दिन यहाँ पे ये बैटिंग होती रही तो उस पर अनदेखी क्यों करते रहे? ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है, अगर म्यूनसिपल्टी के अंदर ऐसा मटेरियल यूज हो रहा है तो आप दूर दराज एरिया जहाँ हमारा पत्रकार लोग भी नहीं पहुंच पाते और लोग जो है इन बातों से अवेयर भी नहीं है कि कौन सी बेडिंग कितनी होती है और ब्लैक टॉपिंग जब होती है उसका जो मयार होता है, जो उसकी जिस तरह से हम कहते हैं कि ग्राउंड पे पहले उसकी बेडिंग होती है किस प्रकार की होती है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल, ये निशान इससे पहले तो बड़ा हुआ लेकिन अब नहीं होगा। कहते हैं कि डिजिटल इंडिया यही डिजिटल इंडिया है कि अब आप किसी भी जगह अगर काम करेंगे तो वो पूरा आईना जो है सामने होगा। लेकिन आज हम अपने चैनल के माध्यम से डीसी राजौरी का ये जो कदम, राजेश कुमार श्रवण का ये कदम, जो आज ये पीडब्ल्यूडी की विभाग और ठेकेदारों के खिलाफ आज ये मुहिम शुरू हुई, मुझे लगता है कि कोई भी कार्य आज के बाद होगा तो पूरे प्रॉपर तरीके से होगा। अब वो बात गई कि सिर्फ फाइल्स में साइन होंगे और पैसा निकल जाएगा, वो बात अब नहीं होगी। हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे, वो बताएगा कि कितने यहाँ पर जो हमारे दुकानदार हैं किस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो उनकी एक ही आस थी कि हम जो है हमारा बिजनेस बढ़ेगा, ब्लैक टॉपिंग अच्छी होगी। ले हमारे साथ इस समय अगर बात करें तो पूरे पत्रकार यहाँ पर आए हुए थे। इस समय हमारे साथ अंकित केसर जी हैं जो कि एक ग्रीवेंसेस लोगों की उठाने में इनका भी अव्वल नंबर आता है। आइए इनसे बात करते हैं। जी अंकित जी, बताइए जो ये डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का ये कदम है, कितना सराहनीय कदम है? सर, मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी राजेश कुमार श्रवण उन्हें सल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है आज इतना बड़ा निर्णय लिया। ब्लैक टॉपिंग का जो ये काम शुरू होना था, उसकी इनॉग्रेशन होनी थी, रिबन काटा जाना था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर जो एक काम देखा किस तरह की क्वालिटी है मिट्टी के ऊपर, पीडब्ल्यूडी द्वारा यहाँ पर जो है आज ब्लैक टॉपिंग का जो है काम शुरू हो रहा था। जैसे ही डिप्टी कमिश्नर राजौरी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि काम को रोका जाए, हम भी यहाँ पर मौके पर थे और हम भी देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये किस तरह का काम जो है यहाँ पर ये जो चल रहा है। बड़े ही बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अगर काम राजौरी के अंदर इस तरह से होंगे तो दूर दराज इलाकों में किस तरह के काम उनके चलते होंगे, एक सवालिया निशान जो है आज इनके ऊपर खड़ा हो रहा है। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने साफ तौर पर जो है इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे दिए, अगर इसी तरह का काम यहाँ पर होगा तो हम जो है इस काम को रोक देंगे और ऐसा काम यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलने देंगे। शुक्रिया अंकित जी। ये थे हमारे साथ अंकित जी, इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि एक बड़ा कदम डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का, जिस तरह से उन्होंने ये रिबन काटना था लेकिन काम को काट डाला, जब तक ये काम बेडिंग अच्छी नहीं होगी तब तक ब्लैक टॉपिंग नहीं होगी। ये बड़ा कदम डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का कि अब वो दिन गए कि नीचे कुछ बिछाना ऊपर कुछ बिछाना, अब जो ग्राउंड पे मिलेगा वो दुनिया देखेगी। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग सिर्फ
कागजों में ही काम को देखता था, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी की आंखें खुल गई हैं, वो ग्राउंड पे देखेगा तभी ऑफिसर को इनॉग्रेशन के लिए बुलाएगा। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजो।